ये लोग कह रहे हैं कि क्षमता परीक्षा ये लोग नहीं देंगे और अब इनकी संख्या बल देखिए, ये गर्दनी बाग का धरना प्रदर्शन स्थल है जहाँ पर मात्र 300 लोगों को वहाँ पर छूट होती है कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर लग रहा है ऐसा कि एकदम से गर्दनी बाग का एक सिस्टम हैंग हो चुका है। आप देखिए किस प्रकार से संख्या बल हजारों हजार की संख्या में लाखों यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं सर, क्या मांगे? के पाठक का फाटक टूटेगा। क्या, क्यों टूटेगा? इसलिए टूटेगा कि वो लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षकों को या जो परीक्षा ले रहे हैं सक्षमता परीक्षा या प्रताड़िता परीक्षा है शिक्षक को। सरकार बदल गई, बदल गई, सरकार की नीति भी बदलेगी और हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्यों बजा देंगे? यही सक्षमता परीक्षा और अन्य कारण से इतनी भारी संख्या बल पहुंचे पहुंचे हैं, इसीलिए कि जो हमको सक्षमता के जगह पर प्रताड़िता परीक्षा ले रही है सरकार, हम इसका विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मारे जाएगी तब तक हम इसका विरोध करेंगे और आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसको उखाड़ फेंकेंगे। अगर हमारी मांग मानेगी तभी ये इसको गद्दी पर रहने देंगे। कल ही विधानसभा में देख लिए होंगे कि इसका प्रोटेस्ट में बहुत मुश्किल से इसको बहुमत हासिल हुआ है और आने वाला समय में यह 2-3 महीना की सरकार है, इसको गिरना तय है। और अगर हमारा अगर मांग नहीं मानेगा तो इसको लोकसभा में मांग क्या कि एकदम से क्षमता परीक्षा हो ही ना? नहीं, मेरा मांग है कि क्षमता परीक्षा नहीं हो, क्योंकि हम लोग खुद दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, लोग टेट दे चुके हैं, बीटेट दे चुके हैं, तो फिर सक्षमता की कहाँ जरूरत है? जब हम दक्ष हैं तो सक्षमता की कहाँ बात आती है? के पाठक का प्रमोशन हुआ, क्या परीक्षा दे के प्रमोशन हुआ? एसीएस बने हुए हैं, माननीय व्यक्ति हैं वो। अरे भाई, शिक्षा की बुद्ध की धरती है, महावीर की। इस बात से डर तो नहीं लग रहा आप लोग को कि 3 अटेम्प्ट में 5 अटेम्प्ट में नहीं होगा? क्यों, आप क्यों नहीं दे देते हैं परीक्षा? आप परीक्षा दे दीजिए, आप बिहार के शिक्षकों को दिखा दीजिए कि हम में अभी भी जुनून है परीक्षा देने का। तुम भी दो, हम देखिए परीक्षा दे रहे हैं, BSc करके दिखा दे। क्वालिटी वाले टीचर चाहिए क्या सर? मांगे क्यों इतनी भारी संख्या बल में आ जाए? देखिए, हमारा न तो सरकार से कोई विरोध है, न परीक्षा का कोई विरोध है, न नियमावली का कोई विरोध है। हमारा सरकार के सिस्टम का विरोध है, सरकार के पॉलिसी का विरोध है। पहले पत्ता परीक्षा पास कीजिए, फिर दक्षता पास कीजिए, फिर सक्षमता पास कीजिए, कल कहेंगे कार्यकुशलता पास कीजिए, परसों कहेंगे निपुणता पास कीजिए। आखिर ये कब तक होगी? दुनिया का ऐसा कोई नौकरी नहीं है पूरे दुनिया में ऐसा कोई नौकरी नहीं है जिसमें आप 10 साल 20 साल नौकरी कराने के बाद, परीक्षा पास करवाने के बाद कहिएगा कि फिर से परीक्षा दीजिए और पास कीजिएगा तो अगला मैच जगनेगा। जो सरकार 2003 से लेकर 2023 तक हम लोग को दे चुकी है, सरकार ऑलरेडी हम लोग को 60 साल की नौकरी दे चुकी है, प्रमोशन का लाभ घोषित कर चुकी है, 8 साल पर प्रमोशन का लाभ है, वेतन संरचना में वृद्धि है, ऐच्छिक स्थानांतरण है, ये सब सरकार अपने नियमावली में हमको दे चुकी है, लेकिन ये पदाधिकारी लागू नहीं कर रहा है। सरकार बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। सरकार कहाँ बदली है, ये तो विपक्ष बदला है ना। पहले विपक्ष में भाजपा थी, अब राजद हो गई। सरकार तो तब भी नीतीश कुमार की थी, आज भी नीतीश कुमार की है, सरकार कहाँ बदली है? बदली तो विपक्ष है। कल होकर के थोड़ा दिन पहले सम्राट चौधरी विजय सिन्हा हमारे लिए डाकबंगला पर लाठी खाए थे, जहानाबाद के उनके साथी मर गए थे, आज राजद वाले आकर के हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो विपक्ष का काम है सिर्फ भजाना, उनको कुछ देना नहीं है। इसीलिए हमको सत्ता पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है। बिहार के तमाम दल ये जो पगड़ी बांधे हुए हैं, राम कसम राम की खाते हैं, हम भी मानते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और उन्होंने डाक बंगला पर कहा था कि शिक्षकों का अपमान है परीक्षा, इसलिए परीक्षा नहीं हो और सबों को राजकर्मी का दर्जा मिले। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जल्द आज ही इसको लागू करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हमारा यह धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। केशव कुमार, मैं पूछना चाहता हूँ एसीएस महोदय से कि 20 साल के बाद क्या वो सक्षमता परीक्षा देंगे? हम लोग पात्रता परीक्षा दिए, दक्षता परीक्षा दिए, आखिर एक शिक्षक कितनी बार परीक्षा देंगे? और ये परीक्षा क्यों? परीक्षा लेना है डिपार्टमेंटल परीक्षा ले लें, उनका प्रमोशन होता है, वो कौन सी परीक्षा दे करके आते हैं? प्रमोशन उनका कौन सा प्रमोशन हुआ? अगर बार नियोजित शिक्षक इतनी भारी संख्या बल में पहुंचे हैं पटना, क्या कहिएगा? महान आंदोलन होगा, धरना होगा, तालाबंदी होगा।
महाआंदोलन करेंगे, महाआंदोलन होगा, शिक्षा में और बढ़ोतरी होगी और 4 लाख नियोजित शिक्षक आएंगे पटना भारी बल में, और तालाबंदी होगा और के पाठक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। के पाठक का विरोध कर रहे हैं जी, के पाठक का विरोध कर रहे हैं। मान सुनाया है कि जो विरोध करेंगे जेल जाएंगे। पहले के पाठक एग्जाम देकर आए बीपीएससी का, उसके बाद हम लोग देंगे। लोग के साथ सक्षमता परीक्षा देना हो है तैयार? हम उनसे पूछे सवाल नहीं दे पाएंगे जवाब, उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो सिर्फ लेटर निकालते रहेंगे और हम लोगों को डराते रहेंगे। लेकिन अब शिक्षक डरने वाले नहीं है, अब लड़ाई आर पार की होगी और आज से यह आंदोलन जो है अनवरत जारी रहेगा। तो देखिए क्या कुछ कहना था यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है उन लोगों का, साफ कहना है कि हम लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे और के पाठक का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या फरमान सुनाया, हम विरोध करेंगे और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आएंगे पटना की सड़कों पर। क्या कुछ कह रहे थे गर्दनी बाग में इन लोगों का, धरना प्रदर्शन देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हजारों की जो भीड़ है वो धरना प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग में। लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ 4 लाख 3 लाख किस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि 3 लाख 3-4 लाख जो नियोजित शिक्षक है, 4.5 लाख, तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग आएंगे यहाँ पर। और अभी ये जो भीड़ है, पहली बार गर्दनी बाग में इतना बड़ा भीड़ होता हुआ दिख रहा है। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं आप नियोजित शिक्षकों के इस फैसले पर, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑडियो पर ही। जय हिंद।